हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं सेंसर टेक्नोलॉजीज के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 13 मार्च 2023 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स ही दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सेंसर टेक्नोलॉजीज में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के मतलब फ्राइडे के दिन स्टॉक में 3.02% का एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है। क्लोजिंग यहाँ पे 274.40 पे देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा जो नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे को स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है जरूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं मंडे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा वॉल्यूम हमें देखने वाला, कैंडल जरूर है कि यहाँ पे स्मॉल टू मीडियम साइज की बनी है। ऊपर के समय थोड़ी सी बड़ी, नीचे के साइड में छोटी सी वीक हमें देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ आरएसआई की, आरएसआई हमारा 53-52 के आसपास आ चुका है, स्लाइड नेगेटिव मूवमेंट का जरूर इशारा देता है। लेकिन याद रखना आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें। तब अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक नेगेटिव मोमेंट का एक्सपेक्टेड स्टॉक में डाउन साइड जो थोड़ा सा देखने मिले 269 के आसपास, उसको भी क्रॉस करते गया तो स्टॉक में डाउन साइड जो वो 262 तक आते हुए देखने मिल सकता। थोड़ा सा स्टॉक में आप जरूर कॉशियसली काम करें। बाकी स्टॉक में ट्रेंड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा। इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स है वो हमने ऑलरेडी जो रिसेंटली स्टॉक एनालिसिस किया था वहाँ पे आपको बताया है। फिलहाल डेटा में कोई चेंजेस हैं इसकी वजह से मैं आपको रिपीट नहीं कर रहा, अगर आपको जानना है तो जरूर आप उस वीडियो को देख ले। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए बनार के चार्ट में बात करते हैं मंडे के दिन क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, कुछ सपोर्ट जो ना रेसेंट मार्क है, लेकिन डिफरेंट डेटा बना उसको बेसिस पे मैं थोड़ी सी मार्किंग जो कर लेता हूँ। मैं चाहूंगा आप भी सेम टू सेम अपने चार्ट में मार्किंग्स कर ले। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स जो एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पर समझाने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं बात करूँ इसके क्लोजिंग की, 271.95 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 269.10 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 264.95 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 278.05 का, उसके बाद का था 281.55 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताया है जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे मंडे के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन के स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में यहाँ पे जरूर जो है पॉजिटिव क्लोजिंग का एक्सपेक्टेड 275.25 से 278.05 के रेंज में हमें क्लोजिंग जो देखने मिले। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। हमारा ओपिनियन जरूर एक पॉजिटिव मूव का, आपको क्या लगता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।